अभी हम राइट साइड में आ चुके हैं। और अरे यार ये वापस जाम लग गया फ्रीक। तो इंटरकॉम से मेरे से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। शायद से ये ट्रक यहाँ से जा रहा था जो व्हाइट वाला है सेफ एक्सप्रेस वाला, और ये वीआरएल वाला सामने से ऊपर से स्पीड में आया, उसको कंट्रोल नहीं आया और उसने उसको बीच में देखिए डैश कर दिया। गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या बोलो अम्बे माति की जय। सुबह सुबह के 6 बजे हैं और देखिए आप पेट्रोल पंप पे कितनी लाइन है। सब पेट्रोल पंप यहाँ पे 7 बजे खुलते हैं थाने में और अभी 6 बज रहे हैं, और ये एक ही पेट्रोल पंप है जो 24 घंटे चलता है। शायद से इसीलिए यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। तो चलो कोई नहीं, 10-15 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से फुल करेंगे और फिर निकलते हैं अपनी राइड पे। सुराई सुबह हो चुकी है, सूरज देवता भी निकल चुके हैं, तो हम निकल चुके हैं एक राइड पे। आगे जाके मैं बताऊंगा हमें एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। सूरज जो निकल रहा है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो, और इस तरफ के भी नज़ारे देखो मस्त। ठंडे थोड़ी हाथ ठंडे हो चुके हैं, विंटर ग्लोव तो मैंने पहने नहीं है, नॉर्मल ग्लोव पहने, लेकिन ठीक है मुंबई की ठंडी के लिए वो काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन हाँ उंगलियाँ थोड़ी कड़क हो चुकी है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था, बायो ब्रेक, कुछ 70 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे थाने से। चलो फिर यहाँ से अभी निकलते हैं, फिर आगे मिलेंगे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं कसारा, ये आप देख रहे हो सामने, यहाँ से कसारा घाट शुरू होता है। तो यहाँ पे एक चाय मारेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। 2000 years later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी हम हैं नासिक में, तो मैं बता रहा हूँ हम कहाँ पे जा रहे हैं, थंबनेल में भी पता चल जाएगा आपको। तो ये सब हमारे दोस्त हैं, मतलब इनमें से दिस इज ओमकार, तो ये हमारे साथ राइड पे आ रहे हैं और ये उनके दोस्त हैं जो नासिक में रहते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये हमारे ओमकार भाई के सब दोस्त लोग हैं जो इनको मिलने आए यहाँ पे। चलो गाइस बाय। यहाँ से कुछ 400 किलोमीटर रहेगा, 400 साढ़े 400 किलोमीटर। तो चलो निकलते हैं यहाँ से और फिर रास्ते में मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके थे थोड़ा एक बायो ब्रेक के लिए। हम लोग ने अभी 182 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं एंड रोड सुपर है। नासिक भी हमने क्रॉस किया तो रोड सुपर थे, पूरे ब्रिजेस ही है, मतलब आपको कहीं उतरना नहीं है, ऊपर ऊपर से ही रोड जाता है। और एक अच्छी चीज़ मैंने जो की है वो है ये इंटरकॉम लेके। अभी मैं ओमकार से कनेक्टेड हूँ तो टाइम कैसे बीत रहा पता ही नहीं चल रहा है। नहीं तो क्या यूजली आप बस रोड को देखते हुए जाते रहते और बोर हो जाता है और इसकी वजह से नींद भी आती है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड हो किसी के साथ बात कर रहे हो तो थोड़ा आप अलर्ट रहते हो। आई एम स्टिल नॉट यूज टू दिस इंटरकॉम, लेकिन चलो ठीक है हो जाएगा, कभी ना कभी लेना ही था, जरूरी था, क्योंकि फोन कॉल थोड़ा अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप राइड जब भी करते हो तो बार बार रुकना पड़ता है, पूरी फैमिली अगर फोन करती है देयर कंसर्न अबाउट योर वेयर अबाउट्स, तो रुक के फिर कॉल लेने से अच्छा है ये चलते चलते कॉल लो, उनको बताओ के कैसे हैं आप एंड दैट्स इट। तो चलो फिर वही मिलते हैं आगे। हाँ गीला। सो गाइस आप देख सकते हो काफी खूबसूरत है, मतलब मैं दिल खुश हो गया मेरा ये सब नज़ारे देख के, बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरफ कभी आया नहीं मैं, ज्यादा से ज्यादा इगतपुरी आया, नासिक भी मतलब कितने साल हो गए पता नहीं, और शिरडी गया था, लेकिन इगतपुरी के आगे मैं कभी आया नहीं। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, द रोड्स आर ब्यूटीफुल, सुपर स्मूथ, आप आराम से 80-90 पे क्रूज कर सकते हो कंटिन्यूसली, अनलेस कोई ट्रक भी आ जाए बीच में। हाँ बस बीच बीच में जो विलेजेस आते हैं वहाँ पे थोड़े स्पीड ब्रेकर्स है, बट दैट इज अगेन फॉर सेफ्टी। बट अदरवाइज जो ज्योग्राफी है इधर की बहुत अच्छी है, क्लाइमेट भी मस्त है। बहुत ठंड है, अभी नहीं है, अभी धूप निकली तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, सी वी आर फ्रॉम मुंबई, तो हम लोग ना यूज टू नहीं है इतनी ठंड के, मतलब हम लोग
14-15 डिग्री में ही हम खुश हो जाते हैं कि भाई चलो विंटर आ गया। तो ओमकार से मेरी बात हुई है, वो अच्छा है, मैंने जैसे कहा ना इंटरकॉम के वजह से बहुत सुविधा हुई है, पहली बार मैं मजे ले रहा हूँ इंटरकॉम के। तो ओमकार बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे आ जाओ तो आपको पता चलेगा ठंड क्या होती है। बट देन नासिक इज नॉन फॉर इट्स कोल्ड। पहले भी मैंने एक बार राइड किया था 26 दिसंबर टू बी प्रिसाइज 2020 में, और जैसे ही मैंने कसारा घाट क्रॉस किया और ऊपर प्लाटू है, जबरदस्त क्रॉस विंड्स भी जबरदस्त होती है वहां पे और ठंड भी काफी रहती है। तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं आगे, मिलते हैं कहीं। वी हैव कंप्लीटेड 216 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज फ्रॉम माई हाउस। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं, ये धूली है, कंप्लीटेड अराउंड 289 किलोमीटर घर से। और कल मैंने जब पेपर्स निकाल रहा था क्योंकि आज राइड पे जाना है, तो पता चला पीयूसी खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये पीयूसी सेंटर दिखा हमको टोल के बाजू में, बोले चलो यहाँ पे पीयूसी निकालते हैं क्योंकि अगर हमको स्टेट बॉर्डर क्रॉस करना है तो बॉर्डर पे चेकिंग हो सकती है, अननेसेसरी इशू नहीं चाहिए। और तो गई हमने यहाँ पे 15-20 मिनट अभी टाइम पास किया, मतलब गाड़ी को ठंडा करना था, 300 किलोमीटर हो गए तो 15-20 मिनट यहाँ पे रुके, पीयूसी निकाला। सोचा यहाँ पे कुछ खाएंगे लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं, जो पोहा था वो पूरा सूख गया था, सुबह का बनाया हुआ है, तो भैया ने खुद ही बोला कि मत खाओ। और दूसरा था बड़ा जो हमको खाना नहीं था, ऑयली था, तो बस यहाँ पे एक चाय पिया और यहाँ से भी निकल रहे हैं। देखते हैं आगे कहीं कुछ मिला तो वहीं पे खाएंगे, और फिर नहीं तो फिर देखते हैं। तो चलो अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं, वी हैव कम्प्लीटेड 300 किलोमीटर्स और 250-300 किलोमीटर बाकी है, 300 पकड़ लीजिए। जिसको गूगल आंटी बोल रही है 5 घंटे लगेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 5 घंटे के पहले पहुँचें। तो वैसे ही कुछ करना नहीं है, अभी बज रहे हैं 12:24, 6:30 बजे तक भी पहुँच गए तो भी नथिंग लाइक दैट, शाम है हमारे लिए और रात को तो वहीं पर रहना है, कल भी वहीं पर है। तो शाम को भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे और फिर सुबह को मंदिर मंदिर जब सवेरे बाबा जी के दर्शन लेंगे। तो गई हम यहाँ पे रुके हैं होटल डैन, 324 किलोमीटर रुके हैं, और इस तरफ है ना खाने पीने की बहुत दिक्कत है, मतलब होटल्स वगैरह है ही नहीं, मतलब ये कुछ ढंग का हमको दिखा है इसके लिए हम रुके हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे वड़ा पाव और क्या क्या वो नमकीन वमकीन देते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है आज खाने में और खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस अभी खाना मंगाया हमने, दाल खिचड़ी और पापड़ मंगाया, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए क्योंकि लाइट रहेगा, नींद नहीं आएगी क्योंकि नींद वैसे भी पूरी नहीं हुई है। ये पापड़ आ चुका है एंड दैट इज ओमकार। हाय ओमकार। हाय। तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, डेकन राइडर करके चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर देना। हाँ मैं लिंक में डाल दूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दाल खिचड़ी आया है तो दिस इज दाल खिचड़ी भाई, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो और जो भी आया है अच्छा ही है। A few moments later. So guys, खाना हो चुका है, टेस्ट बोलोगे तो नॉट दैट ग्रेट, बट देन क्या पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे इस रोड पे, तो यही सही है। काफ़ी किल्लत है यहाँ पे खाने की इस हाईवे पे। तो चलो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, पेट्रोल अभी 2 डंडी दिखा रही है मेरी, लेकिन हम भरेंगे। ओके अभी एक ही दिखा रही है, अभी पता नहीं ये एमपी में सस्ता है पेट्रोल है ये महाराष्ट्र में है, तो चलो कोई नहीं, कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे फुल कर लेते हैं महाराष्ट्र में, बाद में देख लेंगे। तो भाई सर अभी अपने यहाँ पे पेट्रोल फुल कर दिया, इट्स 106.04 पैसे, ये महाराष्ट्र में भरा हमने। मैंने पूछा एक दो जन को कि एमपी में है सस्ता है या महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी 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 हम एमपी के बॉर्डर में बस एंटर होने वाले, तो बहुत लोगों ने कहा हमको मालूम नहीं है। और भी पेट्रोल भरने के बाद जो बंदे को मैंने पूछा तो उसने बोला कि नहीं महाराष्ट्र में सस्ता है, सत्य हो महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर धुले हाईवे। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं एमपी, ये टोल नाका भी है और बॉर्डर भी है और 2-in-1 है। चलो देखते हैं एमपी में रोड कैसे क्या है,
धुले पर्सन और टोल वे प्राइवेट लिमिटेड। हमारे ओंकार भाई जा रहे हैं, अंकलेश्वर 230, सूरत 250। गाइस देख सकते हो ये नज़ारे कुछ इस तरह से है। गाड़ी चलाने के बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त रोड है। आप बीच बीच में हल्के फुल्के पैसे जाते हैं लेकिन टेंशन नहीं है वो, बट ये बाकी का रोड एकदम यामू है। हरियाली थोड़ी कम नजर आएगी आपको यहाँ पे। हाँ, हम भारत पेट्रोल को कभी से ढूंढ रहे थे और ज्यादातर यहाँ पे इंजन और 20 20 20 20 20 20 20 कुछ घुसा नहीं ना, देखना कॉलर विलर से घुस जाएगा अंदर, नहीं कॉलर से शायद से मैंने किसी का तो मॉडल किया, क्योंकि मेरे वाइजर पे, हेलमेट के वाइजर पे कोई दाग लग रहा है, तो कोई मधुमक्खी का मर्डर हुआ है मेरे से। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। जो पहले जो हमने बताया था आपको, वो बॉर्डर नहीं थी, वो ऐसी टोल नाका था, लेकिन उसका नाम जो लिखा था उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो वो वाली लेन जो है दैट इज फॉर द ट्रक्स, और ये यहाँ पे यहाँ से बाइक से कार वगैरह को भी वहीं से जाना पड़ता है। तो हियर वी आर, वेलकम टू एमपी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो भाई साहब देख सकते हो ये बंदा पीछे लटक रहा है, कितना डेंजरस हो सकता है ये, मतलब नो सेकंड थॉट कुछ भी कर देते इन लोग। वैसे गाड़ी में ये गाड़ी फुल है, जगह नहीं है, इसके लिए बंदा पीछे पीछे लटक के जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइस आप देख सकते हो हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। मुझे ये है कि लेफ्ट में काफी जाम हो गया है, मतलब काफी सारी गाड़ियां यू टर्न मार के ये कट में से रॉन्ग साइड से जा रही है। कुछ तो हुआ है क्योंकि किलोमीटर तक ये जाम है। ऑलरेडी हम लोगों ने 1.25 किलोमीटर क्रॉस किया है और आप देख सकते हो कंटिन्यू बंपर टू बंपर ट्रैफिक है। ये डेंजरस है, खतरनाक है, और हम ये सब अवॉइड करते हैं, बट कभी कभी कोई रास्ता बचता नहीं है, तभी ये करना पड़ता है। सो गाइस अभी हम राइट साइड में आ चुके हैं और अरे यार ये वापस जाम लग गया फ्रीक। हम कम से कम 3-3.5 किलोमीटर रॉन्ग साइड से आके ये कट में हमने एंटर किया और देखो यहाँ पे वापस जाम है। क्या वजह है पता नहीं है, आगे शायद से कुछ एक्सीडेंट लग रहा है, मुझे दिख रहा है, शायद से दिख रहा है, पता नहीं मुझे, ये वही वजह है। ओ देखो ओके, ये डीजल यहाँ पे डीजल भी गिरा हुआ है। संभाल के भाई, संभाल के आना, तो मैं ओंकार को बोल रहा हूँ संभाल के आने के लिए। वो इंटरकॉम से मेरे से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। शायद से ये ट्रक यहाँ से जा रहा था जो व्हाइट वाला है सेफ एक्सप्रेस वाला, और ये वीआरएल वाला सामने से ऊपर से स्पीड में आया, उसको कंट्रोल नहीं आया और उसने उसको बीच में देखिए डैश कर दिया। भाई संभाल के चलाओ, बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि इसका पेंट है ना वो उसके गाड़ी पे लगा हुआ है बीच में। डीजल वो देखो, हाँ यही है, आजा। हाँ कांच से कुछ नहीं होता टायर को अपने। तो भाई यही वजह थी ट्रैफिक की, तो चलो अभी हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आगे सब कुछ ठीक रहेगा। गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं
एक चाय मारते हैं, थोड़ी नींद आ रही है। मतलब खाना जो खाया था ना, राइस खाया था, उसकी वजह से नींद आ रही है। क्लाइमेट भी वापस अभी ठंडा होना शुरू हो गया। अब देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पे धूप नहीं है बिल्कुल। तो चलो यहाँ पे चाय मारते हैं, फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि अराउंड और 170-180 किलोमीटर हमको जाना है।